आज की शाम के बारे में आई जस्ट वांट टू से आई वांटेड टू लुक गुड सो थैंक यू जैसा ये मौसम है वैसा मुझे लगना था सो आई थिंक एंड सो गरबे की आई थिंक ये सीजन है सो सो द फेस्टिविटी टाइम गिव्स यू मोर किक अबाउट गेटिंग रेडी सो आई थिंक वो मुझे भी ना थोड़ा शौक चढ़ गया गरबे जैसा रेडी होने के गरबे की का सीजन द नवरात्रि लुक द गरबा लुक ऑल दीज तो आई लाइक ऑल दीज ऑक्सीडाइज ज्वेलरी एंड आई लाइक गेटिंग रेडी एंड आई लाइक the makeup and hair and it's not my song Rahul has sung this song actually garbe ki raat hai so but he sung it very beautifully or just shoot bhi hua that also is has been tremendous and I love shooting for the song jab ye aayi ekdam exact perfect wo energy leke aayi jo hum is gaane ke liye dhoond rahe the शी इज़ गॉट इनमें बहुत एक कमाल की एक एनर्जी है और इनके इनको देख कर ना एक आप में ऊर्जा आती है एंड बहुत बढ़िया इन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया है एंड जिस तरह की हम एक कास्टिंग चाहते थे एग्जैक्ट यही थी एंड हम एक्चुअली पहले किसी और गाने के ऊपर काम करने वाले थे बट वो हुआ नहीं और वो कहते हैं ना जिंदगी में जो चीज़ें लिखी होती हैं वही होती हैं बट आई एम वेरी हैप्पी शी हैजंट सीन द वीडियो आई हैव सीन द वीडियो ऑल्सो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ निया कितनी भी अच्छी लगे ना पोस्टर में लड़कियों को प्रॉब्लम होता है कि यार ये नहीं होता वो नहीं होता कितनी अच्छी लग रही है आप लोग मानते हो अच्छा लड़कियों को ये पता नहीं क्यों उनको नहीं अच्छा लगता कि यार अच्छा है दे कांट बिलीव दैट दे आर लुकिंग रियली रियली गुड सो आई वांट टू टेल यू दैट यू लुक्ड फैब इन द पोस्टर एंड आई कांट वेट फॉर यू टू सी द वीडियो बिकॉज वीडियो हैज टर्न्ड आउट टू बी फैंटास्टिक अभी उधर है वैनिटी में हाँ शूट करने के लिए एक साल नहीं लगा बट गाना हाँ पिछले नवरात्र के वक्त मैंने बनाया था बट मैं सडनली बिग बॉस में चला गया एंड फिर वो गाना नहीं हुआ बट इस साल हमने सोचा कि उसको पिक्चराइज करेंगे एंड यू वोंट बिलीव आई थिंक 12 घंटे के अंदर हमने शूट किया हाँ मतलब इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई रियली हैड अ गुड टाइम शूटिंग और बिल्कुल प्रिसाइज आवर्स में खत्म हो गया सॉन्ग यूजुअली म्यूजिक वीडियोस दो दिन लगते हैं मुझे समझ में नहीं आता क्यों लगते हैं और एक दिन में भी स्क्वीज करते हैं तो वो भी 15-16 घंटे कहां जाते हैं यू नेवर नो बट दे वर राइट ऑन टाइम आई थिंक वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड बढ़िया था हेक्टिक था डिड एनीबॉडी टॉक अबाउट हिज लुक द कैंडी द ऑरेंज और फ्रेंड्स ऑफ मैंगो बचपन में वो ऑरेंज कैंडी नहीं आते थे बच्चे उसको खाते रहते थे मैं वही उसकी याद आ रही है उसको देख के थैंक यू जो आप सब लोगों को पता होनी चाहिए मैं एकदम ऐसे इनको मैचिंग ऐसे गरबा जैकेट यहाँ पे शीशे वीशे वो सब जैकेट पहन रहा था बट जब मैं ट्रायल करने गया आई थिंक वो थोड़ी सी वो हुई थी तो इसलिए दिस इज द लास्ट मोमेंट आउटफिट बट आई थिंक इट्स लुकिंग ग्रेट राइट यू लाइक Oh, I think she's very sweet. I mean, and let me tell you that I think this is the first time hum mile. Hum aise acquaintances mile, but this is the first time we actually work together and bada cool sa tha. Obviously, pehle din jab milte hain to thodi si wo ek teething issues hote hain. Pehli baar kisi ko milte hain. But uske baad I think it's very easy breezy. Bahut maza aaya. And I think she's very sweet and gracious to say I am whatever the USP. We've all worked very hard for it and she's looked beautiful. Her expressions, her energy has been on point. बहुत मज़ा आया एंड जेन्युइनली बताऊँ एज एन आर्टिस्ट आई रियली कांट वेट कि ये गाना कब बाहर आएगा